शहीद वीर बुद्ध भगत के स्मारक स्थल सिलागाई में उनका स्मारक स्थल 51.5 एकड़ जमीन है, उसी में 20 एकड़ जमीन में एकलव्य विद्यालय निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। तो उसी एकलव्य विद्यालय के खिलाफ में कि वो 51.5 एकड़ जमीन में एकलव्य स्कूल नहीं बने, चानों के किसी दूसरे गांव में बने, इसी मुख्य रूप से हम लोग उसी जमीन को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि 1831-32 के महान कोल विद्रोह के महानायक और ये करीब करीब आपको 11 दिसंबर 1831 से आपको 1832 अप्रैल तक पूरे संथाल परगना छोड़ के पूरे झारखंड में ये आंदोलन चला और इसके ये महानायक रहे हैं। और इन्होंने आपको 13 फरवरी 1832 को करीब करीब 300 लोगों के साथ वहाँ शहादत दी। तो वे वीर बुद्ध भगत का वे जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है और रण भूमि भी। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग जो है ये जो है प्रयास कर रहे हैं और इसका लगातार आंदोलन चल रहा है। तो आज कांग्रेस भवन का हम लोग घेराव करने का आज कार्यक्रम रखे हैं, उसमें मुख्य रूप से जो कांग्रेस का विधायक है माननीय बंधु त्रिकी जी, उसका विशेष हाथ है इस एकलव्य स्कूल को बनवाने में और वीर बुद्ध भगत का स्मारक स्थल को खत्म करने में। क्योंकि कांग्रेस तो ऐसे भी आदिवासी को शुरू से ही उसके खिलाफ है, क्योंकि 1951 में आदिवासियों का जो धर्म कोड था उसको 1961 में हटा दिया और 1969 में SCR कोड बना के पूरे रांची को जमीन को कंबंशन संस्थान करके लुटवा दिया। आज जो है वीर बुद्ध भगत का स्थल को लुटवाने में लगा है। तो इस तरह से लगातार आदिवासी जो महिला है वो जो गैर आदिवासी के साथ शादी कर रही है उसको ST का दर्जा देने वाला कांग्रेस है और उसके नाम से 1000 एकड़ जमीन जो है लुटवा रही है। तो ये तमाम चीज जो है कांग्रेस कर रही है, तो उसी के खिलाफ में हम लोग जो है आज घेराव कार्यक्रम रखेंगे।